हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आरकुला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसीजर फॉर डूइंग पेंटिंग और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग इन होम। ठीक है, सो पेंटिंग करने का सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके घर का वॉल नया है तब किस तरह से पेंट करना चाहिए, क्या प्रोसेस है। अगर कोई ओल्ड वॉल है और उसको दोबारा पेंट कराना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीपेंटिंग प्रोसेस। सो उसमें क्या तरीका होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका घर नया बना है, मींस नया कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है, सो उस वॉल में किस तरह से पेंटिंग करना है। सो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको सबसे पहले, तो जब भी आप प्लास्टर वर्क हो रहा हो आपके घर में या प्लास्टर वर्क हो चुका है, सो सबसे पहले आप इंस्पेक्ट कीजिए कि वॉल का लेवलिंग ठीक है नहीं, क्या उसमें बम्प्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, अनइवन तो नहीं है सरफेस। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले उसको रिमूव कराना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स उसको करेक्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर पेंटिंग का प्रोसेस आएगा। सो अगर आपका वॉल बिल्कुल सही है, प्लास्टर वर्क बिल्कुल अच्छे से हुआ है, कोई भी उसमें सरफेस में अनइवन नहीं है, ठीक है, बम्प्स वगैरह नहीं है, सो आप उस पर क्या करिए, पहले पुट्टी अप्लाई करवाइए, डबल कोट। सिंगल पहला कोट होगा, जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरा कोट पुट्टी अप्लाई कराना है। अगर आपका जो वॉल सरफेस है वो अनइवन है, ठीक है, बीच बीच में बम्प्स वगैरह आए हैं, जिसको हम लहर भी बोलते हैं, अगर आया हुआ, वो जनरली तब आता है अगर सही से प्लास्टर वर्क न हुआ हो, ठीक है, ये तभी आता है, वो अनस्किल्ड जो जिसको हम बोलते हैं ना मिस्त्री लोग, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। सो अगर आपका घर नया बन रहा है तो सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि जो प्लास्टर वर्क हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपका प्लास्टर वर्क हो चुका है और सरफेस अनइवन है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है पीओपी की पनिंग, ठीक है। पीओपी पनिंग की हेल्प से आप सरफेस को बिल्कुल लेवल में कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग भी जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे इंटीरियर का प्रोजेक्ट लिए, और वहाँ पर जब हम काम करना शुरू करते हैं, स्पेशली पेंटिंग का, सो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, हमारी टीम चेक करती है कि क्या वहाँ पे कोई जो सरफेस है वो अनइवन तो नहीं है। इफ़ देर इज़ अनइवन सरफेस, देन सबसे पहला जो हम रिकमेंडेशन देते हैं ओनर को एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, सो हम पहला रिकमेंड यही करते हैं कि सबसे पहले आप जो है इस सरफेस को लेवलिंग कराना पड़ेगा सही से, ठीक है। उसके लिए पनिंग का प्रोसेस होता है, पीओपी पनिंग, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। सो अगर आपके यहाँ भी इस तरह कुछ प्रॉब्लम है, सो आपको क्या करना है, पनिंग करवाना है पीओपी की। पीओपी पनिंग से होता क्या है कि जो सरफेस है वो बिल्कुल प्रॉपर लेवल में आ जाता है, एक अच्छा स्मूथनेस मिलता है। दूसरा इसका एडवांटेज एक और होता है कि जो मींस पुट्टी का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, मींस जो उसकी कंजम्पशन है क्वांटिटी वो कम हो जाती है। सो पीओपी का पनिंग का ये फ़ायदा होता है। अगर आपका सरफेस इवन भी है तब भी आप पीओपी पनिंग करा सकते हैं, ठीक है, बट ये ऑप्शनल होता है उस केस में। लेकिन अगर सरफेस अनइवन है सो वहाँ पे आपको पीओपी पनिंग कराना ही चाहिए। एंड स्टेयर में आप देखते हैं जो स्टेयर बनता है उसमें भी पीओपी पनिंग होती है बैक साइड से, क्योंकि टॉप पे तो ग्रेनाइट लगता है, तो बैक साइड पे क्या होता है वहाँ पे पीओपी पनिंग कराते हैं। सो पहला स्टेप है इंस्पेक्शन, पहले प्रॉपर वॉल को इंस्पेक्ट कीजिए। अगर वॉल ठीक है तो पुट्टी अप्लाई करवाइए, डबल कोट। नहीं ठीक है तो पहले पीओपी पनिंग कराइए, जिससे लेवलिंग ठीक हो जाए, उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं पुट्टी उस पर अप्लाई कराइए डबल कोट। वंस पुट्टी कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, पुट्टी स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है सैंडिंग प्रोसेस। सो सैंडिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, अगर आसान भाषा में बोलें तो पुट्टी की घिसाई। उसके लिए रेगमार्क यूज़ होता है, 60 नंबर का रेगमार्क आता है, ठीक है।
ये नंबर्स होते हैं 60, 90, ठीक है। तो उसको अगर आप लेते हैं उस रेगमार से क्या करते हैं, उसकी घिसाई कराते हैं। सैंडिंग प्रोसेस दो तरह से होता है, एक मैनुअली होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है। मैनुअली में कैसे होता है, मैनुअली में क्या होता है कि जो रेगमार्ग आता है ना उसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो घिसते हैं, ठीक है। तो हाथ से घिसाई होती है, हाथ से जब घिसते हैं उसको ड्राई होने के बाद पुट्टी को, तो उससे क्या होता है कि जो सर्फेस होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर आपको बेटर फिनिशिंग चाहिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मशीन आता है सैंडिंग प्रोसेस के लिए, उस मशीन से आप घिसाई करवाइए। बेसिकली जो रेगमार्ग होता है उसमें वो फिट हो जाता है और उसकी मदद से घिसाई करते हैं, ठीक है, सैंडिंग करते हैं। सैंडिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या है कि लाइट, जब भी सैंडिंग प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमें लाइट्स की मदद से इंस्पेक्ट करना होता है। बेसिकली जब आप लाइट इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश करते हैं वॉल पे, तो अगर कहीं भी बम्प्स वगैरह होंगे, सरफेस अनइवन होगा, क्योंकि पुट्टी डबल कोट जब अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अनइवन सरफेस बन जाते हैं, रीजन्स बन जाती हैं, ठीक है, बम्प्स वगैरह आ जाते हैं। सैंडिंग की मदद से उसको प्रॉपर स्मूथ किया जाता है, लेवल किया जाता है। जब हम लाइट को फ्लैश करते हैं ना उस पर्टिकुलर वॉल पे, कहीं भी अगर बम्प्स वगैरह होंगे वो तुरंत दिख जाएगा, जो भी डिफेक्ट्स होंगे वो तुरंत नज़र में आ जाएगा। एंड अगेन वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे जब वापस से मशीन से यूज़ कराएंगे, तो जब मशीन अप्लाई करेंगे तो वो सरफेस वापस से इवन हो जाएगा। तीसरा स्टेप है कि हमें लाइट की मदद से इंस्पेक्ट करना है आफ्टर सैंडिंग। पहला स्टेप था वॉल का इंस्पेक्शन करना, दूसरा अगर वॉल इवन नहीं है तो POP पनंग कराइए, अगर वॉल ठीक है तो पुट्टी डबल कोट अप्लाई करवाइए। पुट्टी डबल कोट अप्लाई कराने के बाद ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद आप सैंडिंग प्रोसेस कराइए, सैंडिंग प्रोसेस होने के बाद इंस्पेक्शन कराइए। इंस्पेक्शन किससे करना है, लाइट की मदद से, जनरली ट्यूब लाइट वगैरह जो LED लाइट्स आती हैं उसकी मदद से आप कर सकते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो आता है प्राइमर, वॉल पेंट प्राइमर। प्राइमर का आपको इस्तेमाल करना है डबल कोट। अगर आप बाई चांस कोई कहता है सर हमें प्राइमर यूज़ ही नहीं करना है, कोई बात नहीं मत यूज़ करिए, उसका आप उसमें आपका ही लॉस होगा, जो पेंट का कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। और मैं आपको बात बता दूं कि जो प्राइमर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है, लेस प्राइस में आपको मिल जाएगा, लेकिन वही जो पेंट होते हैं वो काफ़ी महंगे क्वालिटी आते हैं। अगर आपने रॉयल, मान लीजिए इंटीरियर में आप पेंट करा रहे हैं और आप कहीं एशियन पेंट में रॉयल पे चले गए, बहुत महंगे महंगे पेंट्स आते हैं रॉयल कैटेगरी के, या मीडियम में भी आप जाओगे एप्कोलाइट पे वो भी महंगा आता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्राइमर को ज़रूर आप इस्तेमाल कराइए डबल कोट। इससे होता क्या है, एक तो जो सैंडिंग प्रोसेस होने के बाद देखेंगे ना उसमें वाइट कलर के पाउडर्स आ जाते हैं, ठीक है, फाइन ये ग्रेन्स पाउडर्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब हम प्राइमर इस यूज़ कराते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है मटेरियल, जो पुट्टी का मटेरियल होता है तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो प्राइमर जब डबल कोट अप्लाई हो जाता है तो जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ उसको लिक्विड चाहिए होता है वो पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डस्टिंग वगैरह तो नहीं होता है, दूसरा सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता है, ठीक। जब प्राइमर करा देते हैं तो डस्ट वगैरह हट जाता है। नाउ जब उसके बाद आप पेंट अप्लाई करेंगे ना, तो जो एब्जॉर्प्शन होना था वो प्राइमर ने पहले ही कर दिया, ठीक है, पुट्टी पे, मटेरियल पे, तो इस वजह से जो कंजप्शन ऑफ पेंट है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिक। कभी भी आप पुट्टी के बाद डायरेक्ट पेंट अप्लाई मत कराएं, अदरवाइज जो पुट्टी होगा वो ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप प्राइमर कराएंगे तो वो पहले ही एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी मदद से क्या होता है फिर हेल्प से जब आप पेंट अप्लाई करेंगे तो उसका कंजम्पशन कम होता है। पुट्टी के बाद, सैंडिंग के बाद, सैंडिंग के बाद आपका डबल कोट प्राइमर, डबल कोट प्राइमर के बाद आप जाइए पेंट में, ठीक है, डबल कोट पेंट। जो भी आप कराओगे डबल कोट पुट्टी, डबल कोट कोट में प्राइमर, डबल कोट में पेंट। अब पेंट आपकी चॉइस का हो, जिस कैटेगरी में, जिस बजट पे आप पेंट जाना चाहते हैं उस पे जाइए। ब्रांड मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, नैरोलैक हो सकता है, आप नैरोलैक पे जा सकते हैं, आप एशियन पे जा सकते हैं, एशियन पेंट्स के बाद आप बर्जर पे जा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। इन तीनों में से आप किसी भी जाएंगे तो आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा, एंड इसमें वेराइटीज़ बहुत हैं इन पेंट्स में, ठीक है, एनी ट्रस्टेबल ब्रांड्स हैं।
एंड मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कराता हूँ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का पूरा हो, चाहे वो इंटीरियर प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर कोई भी वॉल होता है, मैं वहाँ पे यही रिकमेंड करता हूँ ओनर्स को। सो ज़रूर आप इन ब्रांड्स पे जाइए। सो ये हो गया पेंटिंग का प्रोसेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटिंग का प्रोसेस करने का तरीका क्या है, ठीक है। एंड इसके अलावा अब कई लोग कहते हैं कि पेंटिंग नहीं जाके हमें उसमें टेक्सचर कराना है, तो आप बिल्कुल टेक्सचर पेंट पे जाइए, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है। उसमें पुट्टी के बाद फिर प्राइमर नहीं कराते हैं, उसमें डायरेक्ट आप जो है टेक्सचर पेंट अप्लाई करा सकते हैं। कई लोग मोल्डिंग बनवाते हैं, तो वो मोल्डिंग जो है वो पीयूपी से ही बन जाता है, ठीक है, उसमें पेंट वगैरह करने के लास्ट में पेंट करते हैं, तो उसमें पनिंग के टाइम में ही पनिंग करने के बाद पीयूपी डिज़ाइंस बना देते हैं, ठीक है। मोल्डिंग्स वगैरह आप देखे होंगे, पूरा पीओपी का बनता है वॉल पे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है बेसिकली ये, ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हैं टेक्सचर पेंट कुछ इस तरह का दिखता है। सो आप इसमें जा सकते हैं। कई जगह आप देखे होंगे कि उसमें क्लैडिंग्स वगैरह बनाते हैं डिज़ाइंस, ठीक है, टेक्सचर्स बनाते हैं, तो वो पुट्टी से भी बनता है, पीओपी से भी बनता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन जो पेंटिंग का मेन बेसिक प्रोसेस था, प्रोसीजर, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगेन आई रिपीट, पहला है क्या कि आपको इंस्पेक्शन करना है वॉल का, ठीक है, जो प्लास्टर हुआ है जहाँ पे, अगर वॉल ठीक है तो आप डबल कोट पुट्टी अप्लाई कराइए, अगर वॉल अनइवन है तो उससे पहले आप पीओपी पनिंग कराइए, उसके बाद पुट्टी कराइए डबल कोट, पुट्टी कराने के बाद आप सैंडिंग प्रोसेस करवाइए, सैंडिंग प्रोसेस मीन्स घिसाई, घिसाई कराने के बाद आप फिर से इंस्पेक्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ लाइट, एलईडी लाइट, ठीक है। उसके बाद जो है, आप जब एक बार सब सरफेस ओके हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप है डबल कोट प्राइमर, डबल कोट प्राइमर के बाद डबल कोट पेंट ऑफ योर चॉइस, ब्रांड्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर वॉल जो है वो पुराना है तो उसका क्या प्रोसेस सेम रहेगा? जी नहीं, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जो इनिशियल के स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, बाकी जो स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम रहेंगे। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी आप जो पुराना वॉल है ना, उस पर जब दोबारा पेंट कराने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि उस पेंट को तो पहले प्रॉपरली वो निकाला जाए, ठीक है। उसके निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है, उस स्टेप को बोलते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग प्रोसेस मतलब कि पेंट निकालने का ये तरीका है। आप देखते हैं ना, स्क्रबिंग बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का ये ब्रश होता है, उसमें वायर्स होती हैं, ठीक है, उसके मदद से क्या होते हैं, घिसाई होती है, ठीक है। तो जब घिसाई करते हैं तो जो पुराने पेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उस पेंट को कैसे ईजिली निकालें। जनरली आसानी से निकलता नहीं है पेंट। उसके लिए लोग करते क्या हैं, बेसिकली लोग कराते कैसे हैं, जो जिससे भी पेंट कराते हैं ना, वो आएंगे रफली उसको ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से घिसाई कर देते हैं, वापस से जो है वो पुट्टी पेंट प्राइमर वगैरह अप्लाई कर देते हैं, एंड कुछ टाइम बाद फिर से प्रॉब्लम आने लगती है। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप अपने घर में पुराने वॉल पे पेंट कराना चाहते हैं या सोच रहे हैं, इस जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। स्क्रबिंग प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, जनरली उसमें भी क्या करते हैं, वायर ब्रश होता है, उससे स्टील वायर ब्रश होता है, उससे घिसाई करते हैं, ठीक है। नो डाउट निकल जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है। तो उसको ईजी वे में कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वार्म वाटर मीन्स गर्म पानी का क्या करते हैं, उससे पूरे वॉल को भिगोते हैं, वॉश करते हैं। अगर जिसको हम इजी वे में बोलते हैं तराई करना, जो जिस वॉल पे आपको पेंट करवाना है दोबारा, उस पुराने वॉल को आप पहले गर्म पानी से एक बार वॉश कर दीजिए प्रॉपर। क्या होगा ना कि जो पेंट होगा पुराना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ तो पेंट मतलब कुछ एरिया तो बिल्कुल ख़राब रहता है, कहीं पपड़ी निकला रहेगा, है ना, इस तरह का कुछ ना कुछ, कहीं फंगस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो तभी आप दोबारा पेंट करा रहे हैं। जब आप गर्म पानी से एक बार उसको वॉश कर देंगे अच्छे से, तो कुछ पानी को क्या, वाटर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है पेंट, क्योंकि ये सब वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। एक बार अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम, कुछ टाइम बाद मीन्स हाफ एन आवर वन आवर बाद जब स्क्रबिंग होगा ना, बहुत ही ईजी वे में पेंट निकल जाएगा जो ओल्ड पेंट होगा। एक बार जब पेंट निकल जाता है तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है।
सो दूसरी चीज़ क्या है, आपको वापस से रिकमेंड करेंगे कि पनिंग कराइए और फिर उस पर पुट्टी कराइए एंड देन प्राइमर एंड देन पेंट, मीन्स जो भी सैंडिंग प्रोसेस, पुट्टी के बाद सैंडिंग फिर देन प्राइमर देन पेंट डबल कोट। सो उससे क्या होगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा और एक स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा, इवन सरफेस, जिस मतलब अप डाउन्स नहीं रहेंगे, अन इवन सरफेस नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं कि पनिंग तो करा लिए, क्या पनिंग बिना पनिंग के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें पुट्टी का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मीन्स क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए पनिंग रिकमेंड करते हैं। सो इसमें भी आपको इंस्पेक्शन करना है। सो इंस्पेक्शन क्या करना है कि पनिंग के पहले या पुट्टी के पहले आप जो है चेक करिए कहीं लीकेज तो नहीं है, मॉइस्चर का कोई इशू तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग कराइए। वाटर प्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट पे जा सकते हैं, ब्रांड पे, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ठीक है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो डॉक्टर वाटर प्रूफिंग कराइए, उसके बाद ही उस पर जो है पनिंग, पुट्टी, सैंडिंग, प्राइमर, पेंट, ये सब कराइए, अदरवाइज़ वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। सो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करिएगा। पहली चीज़ कि जब भी आप ओल्ड पेंट को निकलवाएं तो उसका एक सही तरीका है जिसको स्क्रबिंग प्रोसेस बोलते हैं, वॉल को पहले गर्म पानी से वॉश कीजिए, ठीक है, वार्म वाटर से, उसके बाद थोड़ा सा क्योरिंग टाइम दीजिए उसको जिससे वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें स्क्रबिंग कराइए, स्क्रबिंग कराएंगे सारा पेंट अच्छे से निकल जाएगा, फिर उसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद आप ये चेक करिए कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, मॉइस्चर का इशू तो नहीं है, अगर है तो वाटर प्रूफिंग कराइए, नहीं है देन आप पनिंग कराइए। अगर पनिंग कराना नहीं चाहते हैं तो आप उस पर पुट्टी कराइए, लेकिन यही है कि पुट्टी का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगेगा, सो इफ़ कॉस्ट में आपका जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर हम पनिंग कराएंगे पीओपी पनिंग तो उसमें भी तो कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन उस कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन उसका एडवांटेज आपके पास बहुत है, ठीक है, सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, ठीक है, फिर पुट्टी कम लगेगा, सैंडिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा एंड उसके बाद प्राइमर पेंट जब कराएंगे तो आपको एक अच्छा सरफेस मिलेगा। एंड अगर आप पीओपी कराएंगे, वो पुट्टी कराएंगे डायरेक्ट, तो पुट्टी कराने पे क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा, जब सैंडिंग प्रोसेस आप जब कराओगे तो जहाँ पे अनइवन सरफेस होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, मीन्स जो भी आपका टीम रहेगा उसको ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा एंड देन जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। सो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं कि पीओपी पनिंग ना करा के डायरेक्ट पुट्टी अप्लाई करवाने के लिए। सो ओल्ड पेंट, ओल्ड वॉल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर पनिंग कराएं, ठीक है। सो ये थे दो अलग अलग प्रोसेस, ओल्ड वॉल के लिए एंड न्यू वॉल के लिए। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इफ़ यस देन गिव थम्स अप एंड वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ठीक है। मैंने सारा कुछ कवर अप कर लिया है एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने आपको पेंट ब्रांड्स के बारे में जानकारी चाहिए कि एशियन पेंट या नेरोलैक या जो बर्जर पेंट्स है इसमें कितने तरह की क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या कॉस्ट है, प्रॉपर्टीज़ है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें तमाम तरह के मैंने इन पेंट्स के बारे में डिस्कस किया है डिटेल में। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।